हेलो एवरीवन, आई एम वीरेंद्र कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं सेल्फा एंड आई होप यू आर वेरी वेल। ओके, सो टुडे सेशन यूपीपीसीआर एंड आई टॉट प्रीवियस ईयर पेपर एंड इन द प्रीवियस वीडियो इनफॉर्म means a new series, start a new series, okay? So today is a new session, UPPCL assistant and first subject, computer, okay? So computer means device, electrician. Device, but today's session, computer-based class, programming language. Programming language means what's a programming language and why are you using a programming language as other sectors etc. Okay, हाँ, और ये जो मैंने programming language start की है, ये everyone start a basics means computer क्या है और memory card ये etc. and ठीक ना, हम लोगों ने लास्ट से स्टार्ट किया है मीन्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है और जो है इसके जो है यूपीपीसीएल में जो है सी लैंग्वेज और जो पैथन है इससे स्टार्ट कर देंगे ताकि जो है आपका ये कंसेप्चुअल पहले स्टार्ट हो जाए क्योंकि वो तो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, इस वजह से हमने जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही स्टार्ट की है और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से आपके पास हम स्टार्ट करेंगे सी लैंग्वेज। After completing the C language, so then start Python. Okay, and after completing Python, so start a basic series means application, software, history, hardware, input, output, BIOS. It's all called a BIOS means. Basic input, output, storage, etc. and network, email, MS Office suite means latest 2021, okay, etc. But present time start a C language, okay. C language क्या है? ठीक है, तो सी लैंग्वेज ऐसा कुछ नहीं कि जो है बहुत कुछ है, ये एक जो है सिर्फ कंप्यूटर और जो है ऑपरेटर दो लोगों को जोड़ के रखती है। मीन्स देखिए, अब ये कंप्यूटर है कंप्यूटर हो गया ऐसा, ये कंप्यूटर एक बन गया आपका ठीक ना, ये आपकी जो है कीबोर्ड बन गई और इसका जो कनेक्शन कर दिया हमने और ये हमने बना दिया माउस ठीक ना, और ये हमने बैठा दिया किसी पर्सन को टेबल में बैठा हुआ है ठीक ना, ये टेबल में बैठा हुआ है, ये किसी पर्सन को बैठा दिया और ये हमने बना दिया कंप्यूटर ठीक ना। अब ये जो कंप्यूटर बना दिया, अब इसको जो है
मशीन लैंग्वेज नहीं आती, इसको क्या नहीं आती, मशीन लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन कंप्यूटर को ओनली मशीन लैंग्वेज ही आती है। मशीन लैंग्वेज क्या है, ठीक है ना, वो भी बात करेंगे। मशीन लैंग्वेज क्या है, मीन्स वन और जीरो, मीन्स इफ सर्किट इज ऑन, मीन्स इफ सर्किट इज ऑन इट्स मीन वन, इट मीन्स means one, means कहने का मतलब है कि जो है अगर on है तो one है, if circuit is off it means zero, okay, और its work on zero and one means टोटल इट्स वर्क ओनली ऑन वर्क जीरो एंड वन इज बाइनरी नंबर, सो जीरो एंड वन बाइनरी नंबर, ओके, दिस इज बाइनरी नंबर, और हम है, और हमको जो है ये बाइनरी नंबर नहीं आते, मीन्स मशीन लैंग्वेज नहीं आती और कंप्यूटर को बाइनरी नंबर आती है, तो इसका सलूशन तो कुछ होना चाहिए ना, इसका सलूशन जो है ये सी लैंग्वेज, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, ऐसा एक्सेट्रा, ठीक ना। तो अब इसको हमें थोड़ा इजी फॉर्म करने के लिए हमने बनाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीधे सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है ना। और अब ये डेफिनेशन रेफरेंस जानेंगे, थोड़ा सा ये था थोड़ा सा स्ट्रक्चर की, मीन्स हमने ये क्यों नीड पड़ी, मतलब नेसेसरी क्यों पड़ी, जरूरत क्यों पड़ी हमें इसकी, वाई आर नीड, ठीक ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच का एक जो मीडियम मेडिएटर होता है उसको बोलते हैं ट्रांसलेटर, ठीक ना, वो सीन है। चलिए अब इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। थोड़ा सा कलाकारी कम आती है, अब ये मशीन लैंग्वेज और ये जो पाइथन ये जो है सब देखेंगे, पहले थोड़ा सा देखते हैं सी लैंग्वेज, मतलब कि जो है इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और इसके बाद में इसमें देखेंगे क्या सीन है क्या सीन नहीं है, लेकिन उससे पहले देखिए थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे इसको, ठीक है ना। और हमने एक जो है एमसी क्वेश्चन भी रेडी करके रखा है, थोड़ा सा इसको उसके अकॉर्डिंग हम जो है पढ़ाएंगे, ठीक है ना। जैसे देखते हैं, चलिए पहले अच्छा बना ही देते हैं, नहीं तो देखते हैं सीरीज है क्या। देखिए यहाँ पर जो एक सीरीज है, मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है, क्वेश्चन कहा गया है कि जो है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज प्रीडेसर टू सी लैंग्वेज, मींस ये जो है सी लैंग्वेज जो है इसका जो इसकी जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं, और इसके अकॉर्डिंग हम जो इसका आंसर जो है इसका आंसर भी हम बताएंगे, ठीक ना। क्योंकि आप अगर जो है डिफिनेशन एंड जो है मीन्स कंसेप्चुअल क्लास और जो है एमसी क्वेश्चन दोनों लेकर चलेंगे तो आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स कंसेप्चुअल प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस, ठीक है ना, दोनों लेके चलेंगे साथ में, मींस हम जैसे बताते जा रहे हैं, मतलब कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में आया अपने पास तो उसका इंफॉर्मेशन तो दिया ही, लेकिन साथ में उसके डिटेल भी देंगे, ठीक है ना। तो यहां पर जो पूछा गया था, तो लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इसकी डिफिनेशन दिए दे रहे हैं। ये जो है सी लैंग्वेज क्या है, एक जो है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है,
इसके जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एंड सेकंड पॉइंट डिफिनेशन, मतलब कि इसके जो तीन पॉइंट होते हैं यही डिफिनेशन है और ये इसकी जो तीन पॉइंट बना दिए जाते हैं, मतलब मैंने बना दिए तीन पॉइंट बना दिए हैं कि जो ये क्या सीन है। मीन्स अब इसके बाद में एक है ओरिएंटेड, ओरिएंटेड ठीक ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रीड्यूसर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। एंड थर्ड या मिडिल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मिडिल लेवल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोड्यूसर ओके। ये तीन पॉइंट है आपके पास सी लैंग्वेज अकॉर्डिंग, मीन्स जो है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग और प्री ड्यूसर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। ये तीन आपके पास है और इसके बाद में ये तो आपके पास बन गया। और ये जो है सीन कैसे क्रिएट हुआ, मीन्स ये अभी अभी मैंने पूछा आपसे कि जो एक क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज प्री डियर टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मीन्स इसके ऑप्शन दिए हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग ठीक ना, इसके अकॉर्डिंग ये क्या है, बी ऑप्शन दिए दे रहा है, बताइएगा आप। ए बी बी सी टी एल एंड फोर्थ सी प्लस प्लस, तो इसमें से चार ऑप्शन है और चार ऑप्शन में से एक से इससे रिलेटेड है, तो वो कौन सी है, तो वो आपकी है थर्ड। थर्ड कैसे है, इसका जो है थोड़ा सा दिए दे रहे हैं, डी सी टी एल, ऐसा कुछ नहीं कि इसमें जो है बहुत कुछ सीन है ना। देखिए बी से बेसिक, सी से कंप्यूटर ठीक ना, और पी से प्रोग्रामिंग और एल से लैंग्वेज, बी सी पी एल मीन बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये जो है ये सी लैंग्वेज की कोडिंग है, और जो है स्ट्रक्चर्ड एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। तो अब इसके बाद में देखते हैं इसके डेवलप कौन है और किस सत्र में डेवलप हुआ था, ऐसा एक्सेट्रा, ठीक है ना, तो देखते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको एरेंज कर देते हैं, चलिए ऊपर देख देते हैं। हाँ, इसके जो डेवलपर है, डेवलप्ड बाय डेनिस रिचई, मिस एम रिचई, ठीक है, डेनिस एम रिचई, ये है इसके डेवलपर, मीन सी लैंग्वेज के, मीन इसके जो है खोजकर्ता और जिसको जो है प्रोग्रामिंग को जो है एस्टेब्लिश करने वाले वो है डेनिस रिचई। और कब, तो 1972 में, ठीक है ना, ओके। और ये किस लिबर्टी में की थी, तो वो है किस लिबर्टी में, तो 80 किस लिबर्टी में, 80 एंड टी बिल
लेबोरेटरीज, AT&T बेल लेबोरेटरीज, ठीक है ना। मींस AT&T का फुल फॉर्म, AT&T का फुल फॉर्म क्या होता है, मींस अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, ओके। और कहां, यूएसए में, ठीक है ना। मींस सी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर्ड एंड प्री ड्यूरल ओरिएंटेड और मिडिल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और डेवलप्ड बाय डेनिस एम रिचर्ड्स 1972 एंड लिबर्टी या AT&T बेल लिबर्टीज। सो AT&T इज अमेरिकन टेली फोन एंड टेलीग्राफ, ओके, यूएस। चलिए, और अब इसको एरेज करने का टाइम आ गया है, तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं साइड हुआ जा रहा हूँ, ये तो फिर लिख लीजिएगा। ओके, मींस चलिए, तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है ना। तो एरेज करें फिर, चलिए तो ये हो गया। इसके बाद में इसको जो पब्लिश करने वाले पर्सन था, मतलब कि कौन सी संस्था थी, इंस्टीट्यूट था, मींस सी लैंग्वेज को जो पब्लिश करने वाले, पब्लिश्ड बाय ANSI, मींस ये देखिए सी लैंग्वेज को जो है डेवलप तो डेनिस रिचर्ड और लेबर्टी जो है AT&T बेल लेबर्टी यूएसए में की गई थी, लेकिन इसके जो पब्लिश करने थी जो सीन था वो कौन से थी संस्था थी, तो ANSI मींस अमेरिकन, सॉरी इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है, मींस अमेरिकन नेशन नेशन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट, ओके। मींस आप जो सी लैंग्वेज को जो पब्लिश करने वाले कौन थे, तो एनसी थे और अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं, और अभी हमने बात की थी, नीचे एक क्वेश्चन था, थोड़ा सा कट गया था आपका, मिडिल लेवल लैंग्वेज, ठीक ना, तो उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। मिडिल लेवल लैंग्वेज, ये आपकी मिडिल लेवल लैंग्वेज मतलब क्या होता है, एक मेडिटेटर होता है, ठीक ना। मींस ये टू टाइप्स होती है, पहली होती है आपके पास लो लेवल लैंग्वेज, सेकंड होती है आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक ना। चलिए, लो लेवल लैंग्वेज लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, ओके, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज में आपके पास
दो आती है, ये देखिए ये मुख्य मेन है, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली। मीन्स लो लेवल लैंग्वेज आपके पास मशीन लैंग्वेज होती है, एंड सेकेंड आपके पास फर्स्ट मशीन लैंग्वेज, सेकेंड असेंबली लैंग्वेज, ओके, एंड सी लैंग्वेज, ओ सॉरी हाई लैंग्वेज। तो हाई लैंग्वेज मीन्स डिफरेंट टाइप, सी, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट, ठीक, अदर डिफरेंट टाइप के, मतलब जब हाई लेवल लैंग्वेज में जब सिर्फ हमें जो है सी लैंग्वेज एंड ये पाइथन, पाइथन हमें सिर्फ दोनों दो पे फोकस करना है, सी पर और पाइथन पर, बाकी अभी इस पर हमें कोई फोकस नहीं करना, क्योंकि हमें जो है वीटे के टेक नहीं कर रहे हैं, ना तो कोई जो है वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, ठीक है ना, हमें सिर्फ अभी अभी जो है अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, ठीक है ना। सो सी लैंग्वेज एंड पाइथन ही हमें देखना है, बाकी अभी हम इस पर बात करेंगे मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, तो ये होते क्या है और इस पर बात करेंगे, ठीक है ना। तो मशीन लैंग्वेज तो हमने पहले ही स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जो है ये कंप्यूटर बेस के लिए काम करती है, क्योंकि ये जो है सिर्फ दो डिजिट पर काम करती है, जीरो ये तो वो एक पर, ठीक है, मींस बाइनरी नंबर पर। चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कैसे ये काम करता है। सो मशीन लैंग्वेज आपके पास जीरो और एक पर काम करती है, इसको हम लोग बाइनरी नंबर बोलते हैं। और ये बाइनरी नंबर जो होते हैं आपके पास वो जीरो और एक होते हैं, और इसी कोड पर ही काम करता है। देखिए वो कैसे काम करता है, और ये जो आपका न्यूमेरिक कोड होते हैं, न्यूमेरिक कोड का मतलब जीरो और एक, ठीक है ना। न्यूमोनिक कोड, ठीक है ना, निमोनिक कोड होता है, और वो जो है जीरो और एक पर काम करता है। देखिए कैसे, अब जैसे कि हमें जो है, जैसे आप लोग देखते होंगे डायरेक्ट कैलकुलेटर जानते हैं ना, आप लोग कैलकुलेटर के लिए तो सब लोग माहिर होते, मींस हर एक व्यक्ति जो है अगर जोड़ने घटाने के लिए आ जाता सीधा डायरेक्ट मोबाइल ओपन, अच्छा 24 36, ओ डायरेक्ट 60, मींस आपने इनपुट किया, आपने डायरेक्ट इनपुट किया, मीन 24 प्लस 36, तो आपके पास प्रोसेसिंग हुई, इनपुट के बाद आपके पास सीधा क्या आएगी, प्रोसेस मीन्स स्क्यू मीन्स कार करता है प्रोसेस, प्रोसेस करेगा, प्रोसेसर करेगा, इसके बाद में फिर आपके पास जो है आउटपुट देगा, आउटपुट क्या आएगा 60, ठीक ना। मींस ये क्या हुआ कि इनपुट किया आपने 24 प्लस 36, ये प्रोसेसर जो बीच का होता है ये SQ2, ये आपके पास शो ऑफ नहीं होता है, डायरेक्ट आपके पास आंसर आउटपुट मिलेगा डिस्प्ले पे मॉनिटर पर 60, लेकिन ये जो बीच का सीन है वो ये है मशीन लैंग्वेज, मींस ये हमारे और जो है कंप्यूटर के बीच या किसी भी इलेक्ट्रिशियन डिवाइस के बीच का जो है इंटरप्ट करता है, वो मशीन लैंग्वेज का जो है ट्रांसलेटर होता है वो चेंज करता है, ठीक है ना। देखिए कैसे, इसे हमने लिखा था 24 प्लस 36 इक्वल टू 60, ठीक है ना। तो
अब ये कंप्यूटर तो ये 24 और 36 जानता ही नहीं है। कंप्यूटर बोला आई डोंट नो, आई नो ओनली 0 एंड 1, मींस आई नो ओनली 0 एंड 1 मीन बाइनरी नंबर एंड आई डोंट नो डेसिमल नंबर। ये जो है आपके पास डेसिमल नंबर्स है, डेसिमल नंबर्स, ठीक है। ये सिस्टम जब नंबर सिस्टम पढ़ाए जाते हैं तब वहां पर देखा जाएगा कि जो है कितने होते हैं, चार होते हैं, मींस बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, हेक्सा नंबर्स, ओके, एंड ऑक्टल नंबर्स, ये नंबर्स हैं। लेकिन हमें यहां पर अभी जो है थोड़ा सा देखना है कि जो है ये काम कैसे करता है। हाँ, और एक बात, आप लोगों ने अभी तक जो है मेमोरी बहुत यूज की होंगी, पेन ड्राइव और मेमोरी, ठीक है ना। तो ये पेन ड्राइव जो मेमोरी होती है, ये वर्क जो आपके पास आती होगी, मेमोरी एंड पेन ड्राइव आपने सुना होगा 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, ठीक ना। मीन्स आपकी पेन ड्राइव जो मेमोरी होती है वो जो है आपके पास 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB एंड 128 GB या 256 GB मीन्स एक्सेट्रा। लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा 3 GB, 5 GB, 7 GB, आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा, सुना है कभी नहीं। मीन्स क्यों नहीं सुना, क्योंकि जो है हमारी जो जीबी मतलब की जो पेन ड्राइव की मेमोरी और ये जो वर्क करती है सिर्फ हमारी किस पर वर्क करती है, बाइनरी नंबर पर। और बाइनरी नंबर हमारे पास कोड कौन सा होता है, 0 एंड 1, ठीक है ना, 0 और 1 होता है। तो ये जो जितनी भी पेन ड्राइव की जो और ये मेमोरी होती है वो जो है 1 के मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई होती है। मींस कैसे, देखिए, और इसका जो सीरीज होता है कैसे काम करता है, स्टार्ट होता है 2 की पावर 0, टू की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, ओके, मींस 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, ऐसा मीन एक्सेट्रा बढ़ते जाएंगे, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है ना। मीन्स अब इसका मान कितना होगा, 1, इसका मान 2, इसका मान 4, इसका मान 8, इसका मान 16, इसका मान 32, इसका मान 64, मीन्स आप देख रहे हैं 2 के मल्टीप्लम में, इसमें मल्टीप्लाई किया 2, 2 का मल्टीप्लाई किया 4, 4 का मल्टीप्लाई किया 8, ऐसा एक्सेट्रा। इसलिए जो है हमारी पेन ड्राइव और जीबी होती है इस फॉर्म में आती है, ठीक है ना। तो आज ये आपको पता चला कि ना कि जो है जीबी या पेन ड्राइव जो आपकी आती है वो किस फॉर्म पे आती है, इसी सीरीज में आएगी, ठीक है ना। सो अब चलिए और इसके बाद में देखते हैं, इसका थोड़ा सोल्यूशन देखना था हमें। चलिए आप जो है हम आपको जो है इस सेशन का जो है नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देंगे और यहीं पर हम जो है वाइंड अप करते हैं क्लास को, ठीक है ना। तो अगर ये सीरीज आपको अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ओके। और अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, बाय बाय, टेक केयर।